का कहना है कि 2024 में मोदी का सरकार नहीं, मुश्किल है, कंफर्म है 2024। आज 2024 के इलेक्शन में आप ऐसे पीएम किसे देखना पसंद करेंगे? अरविंद केजरीवाल ही क्यों? नरेंद्र मोदी ही क्यों? 10 साल राज कर लिया उन्होंने। नहीं, वो अभी सही तरीके से कर रहे हैं, और चाहिए हमको ना, मतलब और 5 साल आप चाहते हैं उन्हें? चाहते हैं 5 नहीं 10 साल चाहते हैं उसको। तो क्या हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को ही क्यों? हाँ। क्या कहना है? प्यादों से प्यादे कभी राजा नहीं बन पाते, इसीलिए उन लोगों को बोलने के लिए बस यही ऑप्शन है कि गठबंधन के लिए ये है वो है, लेकिन उन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। मोदी है मतलब नामुमकिन है। मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। आपको देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मोदी भक्त हैं। सही बात है, बड़े फैन हैं। बहुत बड़ा फैन हूँ। अभी तक तो भाजपा की सरकार ही सही है, उसको ही रहने दो, जाने दो, रहने दो। भाजपा सरकार ही बेस्ट है। ऐसा कौन सा काम है जो आपको बहुत पसंद आया? बहुत पसंद आया, पब्लिक को दिक्कत हो रही है वही भाई बहुत मजा आ रहा है। मोदी जी के टाइम में महंगाई बढ़ गई, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही है, महंगाई और बढ़नी चाहिए ना। अच्छा, और बढ़नी चाहिए। हाँ, क्योंकि सामने इनकम भी बढ़ रही है ना। पप्पू का कुछ काम नहीं है। केजरीवाल सब भ्रष्टाचारी है, 52 करोड़ का बंगला बना दिया। मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मेरे बच्चों की सोगन, और 52 करोड़ का बंगला बना दिया भ्रष्टाचारी ने। जी भैया बोले। आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी जी से एक बंदे ने सवाल किया था कि आप चाय वाले होकर बोला प्राइम मिनिस्टर बने हो, तो क्या मैं एक मामूली सा आदमी होकर मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ? तो नरेंद्र मोदी जी ने उसे सवाल किया था, उसे जवाब दिया था। जुमला देना, इनका जुमला देना, मोदी जी जुमला देते 15 लाख का जुमला दिया। 13.5 लाख रुपया देने का बोला था ना, कि सबके अकाउंट में 13.5 लाख रुपया आएगा। किसके अकाउंट में? एक बंदा तो बता दो हिंदुस्तान का। नमस्कार साथियों, मैं निश्चय भारत 24/7 की टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज मैं आया हूं अहमदाबाद के मेन सेंटर में, मेन मार्केट में, जिसे 3 दरवाजा के नाम से जाना जाता है। और मैं यहाँ लोगों के बीच जानना चाहूँगा आगामी 2024 के इलेक्शन में लोग, गुजरात के लोग किसे एज अ पीएम देखना पसंद करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से। हेलो भैया। हेलो सर, बोलिए। आगामी 2024 के इलेक्शन में आप एज अ प्रधानमंत्री किसे देखना पसंद करेंगे? मोदी सर को सर। मोदी सरकार को ही क्यों? तो सर उनका काम बहुत बढ़िया है, आप देखो बड़े बड़े फैसले भी देखो उनके। ऐसा कोई काम जो आपको बहुत पसंद आया हो? मेरे को तो बहुत, देखो 370 वाली धारा, और हमारे गुजरात में बहुत अच्छे अच्छे काम किए मोदी सर ने। अभी जो राम मंदिर का जो फैसला है वो बहुत बड़े बड़े जो बात है मोदी सर के। कांग्रेस क्यों नहीं? नहीं हम, या कोई और सरकार क्यों नहीं? हमको पहले मोदी से हम फैन है, हम तो उनको ही वोट देते हैं। मोदी फैन, क्या बात है। हेलो सर, बोलो। 2024 के इलेक्शन में आप एज अ पीएम किसे देखना पसंद करेंगे? मोदी को। मोदी को ही क्यों? मोदी को वोट देता हूं। मोदी को वोट क्यों देंगे? पहले से देते हो मोदी को, पहले से। अच्छा, अगर मोदी जीतता है तो आप मोदी जी से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? कुछ भी कहना चाहते, खाली मोदी को वोट देना। मोदी को वोट देना चाहते। मोदी सीतने लगा हो? मोदी सीतने लगा हो? मोदी से लगा हुआ है। नमस्कार भैया। 2024 के इलेक्शन में आप एज ए पीएम किसे देखना पसंद करेंगे? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ही क्यों? अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अच्छा काम करता है ना। और अभी जो सरकार है वो अच्छा काम नहीं कर रही है। अच्छा काम नहीं कर रही। गुजरात आप संतुष्ट नहीं है? जी भी तो गुजरात के हैं। गुजरात में पहले गुजरात के तो क्या हुआ। अच्छा चलिए ठीक है, केजरीवाल चाहिए। हाँ केजरीवाल आना चाहिए। क्या पसंद नहीं आया मोदी जी का? किस चीज का? मोदी जी क्यों? मोदी का जो भी पसंद आया जाए ना, केजरीवाल इससे अच्छा लाख गुना अच्छा है ना। दिल्ली में काम करता है, काम करता, बाकी लाइट बिल भी कमाते हैं वहाँ पे। हिंदी में पूछो। नमस्कार भैया। नमस्कार। आने वाले 2024 के इलेक्शन में आप एज अ प्रधानमंत्री किसे देखना पसंद करेंगे? आने वाले 2024 के इलेक्शन में आप एज अ प्रधानमंत्री किसे देखना पसंद करेंगे? जो आएगा वो सही है। जो आएगा वो सही है। हाँ। और कोई गलत आ गया तो? गलत आ गया उसको हटा देने का? हटा नहीं सकते ना 5 साल तक। ऐसा? हाँ। मोदी को लाओ। किसको लाओ? नरेंद्र मोदी को लाओ। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। 2024 के इलेक्शन में आप ऐसा प्रधानमंत्री किसे देखना पसंद करेंगे? हम तो नरेंद्र मोदी को चुनना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ही क्यों? 10 साल राज कर लिया उन्होंने। नहीं, वो अभी सही तरीके से कर रहे हैं, और चाहिए हमको ना, मतलब और 5 साल आप चाहते हैं उन्हें? चाहते हैं 5 नहीं 10 साल चाहते हैं उसको। तो क्या डेवलपमेंट चाहते हैं आगे? वो डेवलपमेंट करते हैं, वो सही करते हैं। अच्छा, जो भी डिसीजन लेते हैं सही लेते हैं? परफेक्ट लेते हैं। तो घर घर मोदी? घर घर मोदी। हर हर मोदी। हर हर मोदी। क्या बात है। मोदी का क्या काम अच्छा लगा?
मोदी जी तो सब काम अच्छा लगा भैया जी, सब काम अच्छा है। गुजरात में दंगे कम हो गए, सब अच्छा लगा। हम तो कांग्रेस को वोट दे गए। कांग्रेस को ही क्यों? हाँ, कांग्रेस अभी जो सरकार है उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं है। कांग्रेस में किसे देखना चाहेंगे एज ए पीएम? जो भी अच्छा आवे वो। तो अच्छा है कोई नाम एक जो आप जानते हो? अब जो बैठे वो सही, अपने क्या बोल सकते। नमस्कार मैडम। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्यों नहीं बोलते हो भैया? अरे इनसे लो इंटरव्यू। आपसे लेते हैं ना पहले। पहले आपसे बात करना चाहेंगे। आप यूथ हैं। आप मुझसे 2024 के इलेक्शन में आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करेंगे? अभी तक तो भाजपा की सरकार ही सही है, उसको ही रहने दो, जाने दो, रहने दो। भाजपा सरकार भाजपा सरकार ही बेस्ट है, बेस्ट है। ऐसा कौन सा काम है जो आपको बहुत पसंद आया? बहुत पसंद आया, पब्लिक को दिक्कतें हो रही है वही भाई बहुत मजा आ रहा है। पब्लिक को जितनी दिक्कतें हो रही है, जो सरकार ला रही है उसी हिसाब से सरकार को, यही सरकार को रहना चाहिए। मोदी जी का सबसे बढ़िया काम क्या लगा आपको? मोदी जी का बढ़िया काम है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट? डेवलपमेंट। क्या इससे पहले वाली सरकार डेवलपमेंट नहीं कर रही थी? कर रही थी, लेकिन इतनी रफ्तार से नहीं कर रही थी जितना रफ्तार से भाजपा सरकार कर रही है। मोदी जी के टाइम में महंगाई बढ़ गई, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही है, महंगाई और बढ़नी चाहिए ना। और बढ़नी चाहिए क्योंकि सामने इनकम भी बढ़ रही है ना। अच्छा, महंगाई बढ़ रही है तो सामने इनकम भी बढ़ रही है ना। पहले कम कमाई हो रही थी, अभी ज्यादा कमाई हो रही है। लेकर क्या कहना है? प्यादे कभी राजा नहीं बन पाते, इसीलिए उन लोगों को बोलने के लिए बस यही ऑप्शन है कि गठबंधन के लिए ये है वो है, लेकिन उन लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। मोदी है मतलब नामुमकिन है। मुमकिन है मोदी है, मोदी है तो मुमकिन है। क्या बात कर रहे हैं? आपको देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है आप मोदी भक्त हैं। सही बात है। बड़े फैन है? बहुत बड़ा फैन हूँ। तो 2024 के इलेक्शन में आप किसे देखना चाहेंगे एज ए पीएम? एक ही तो देश का नेता है। अच्छा, और तो कोई है नहीं, सब भ्रष्टाचारी, सब भेगी हुए हैं। एक एक हाँ। तो बेसिकली मोदी सबसे बेस्ट है। हाँ, अगर राहुल गांधी आता है तो पप्पू का कुछ काम नहीं है। अच्छा, पप्पू का काम नहीं, पप्पू देश नहीं चला सकता, वो तो टाइम आने दो। एक ही शेर है। अच्छा, एक ही शेर है। हाँ। तो राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहोगे? चलो वो करते हैं, उनकी पॉलिटिक्स करने दो, उनकी जगह पे वो सही है। बाकी मोदी के सामने कोई नहीं। केजरीवाल? सब भ्रष्टाचारी है, 52 करोड़ का बंगला बना दिया। मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मेरे बच्चों की सोगन। और 52 करोड़ का बंगला बना दिया भ्रष्टाचारी ने, तो जो अपने बच्चों की सोगन खाता है कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, उसने बंगला ले लिया, गाड़ी ले ली। ये देखो हमारा रिवर फंड, उसने यमुना साफ कराने का 2013 से बोला था, आज 2023 आ गया। ये हमारा देखो मोदी ने रिवर फंड बनाया साबरमती, आज से 20 साल पहले कितनी गंदगी थी। अभी फॉरेन के लोग रिवर फंड देखने आते हैं। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी जी की, जब मोदी जी का सरकार है तो महंगाई बढ़ गई, और जब कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ पे महंगाई कम थी, उसको लेकर क्या कहना है? महंगाई के सामने सबका पगार भी बढ़ा है। आज महंगाई होती तो एप्पल का स्टोर क्यों बॉम्बे में खुला? सबको महंगाई नड़ती है, होटल में जाते तो महंगाई नहीं नड़ती, मोबाइल खरीदते महंगाई नहीं नड़ती, गाड़ियाँ छुड़ाते महंगाई नहीं नड़ती। बस खाली महंगाई दिखने में उनको लगती है महंगाई है। कोई 350 बार मोदी मोदी। धन्यवाद भैया जी। भैया बोले, आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी जी से एक बंदे ने सवाल किया था कि आप चाय वाले होकर, बोले आप प्राइम मिनिस्टर बने हो तो क्या मैं एक मामूली सा आदमी होकर मैं प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ? तो नरेंद्र मोदी जी ने उसे सवाल किया था, उसे जवाब दिया था के 2024 के बाद ट्राई करना। अच्छा, मतलब उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना था कि 2024 तक तो फाइनल मैं ही हूँ, आगामी 5 साल भी मोदी जी हैं, और कितनी भी ताकतें लगा लो उसके बाद भी कुछ नहीं होने वाला। वो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल था नरेंद्र मोदी जी का, और वो नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें वो आपकी अदालत में उन्होंने वो लड़के को बता दिया था कि 2024 के बाद ट्राई करना, मतलब मोदी जी फाइनल है। योगी जी और वो लोग, उन लोगों के लिए ये पॉलिटिकल चीज ये उन लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं है, जो नरेंद्र मोदी जो बचपन से ही जो सीखते हुए आए हुए हैं, वो जो योगी और वो उन लोगों में हर किसी में वो चीज़ का टैलेंट नहीं है, जो हर किसी की काबिलियत नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन पाए, जो काबिलियत नरेंद्र मोदी जी में है। झूठ बोलना अच्छा नहीं है। क्या बोलना, उनका जो मुद्दा है बोलना बहुत जबरा है उनका, किसी को भी बस में कर लेते, जुमले देना, इनका जुमला देना मोदी जी का।
मोदी जी जुमला देते हैं, देते 15 लाख का जुमला दिया, 13.5 लाख रुपया देने का बोला था ना कि सबके अकाउंट में 13.5 लाख रुपया आएगा, किसके अकाउंट में, एक बंदा तो बता दो हिंदुस्तान का। तो आप मोदी जी की अभी तो बढ़ाई कर रहे थे। मैं तो बढ़ाई कर रहा हूँ, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि और 100 साल नरेंद्र मोदी जी रहने चाहिए, लेकिन किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। तो उनके लिए आप हट हुए हो? हट नहीं हुआ हूँ मैं, जो वादा किया है वो निभाना चाहिए था, निभाना। तो मोदी जी को आप कहना चाहते हैं कि जो वादे किए हैं निभाइए? वो मेरा कहना वही है कि जो अपने वादे जो किए हैं वो वादे निभाइए। राहुल जी ने क्या वादे किए? वो जो कर्नाटक में भी वादा किया वो पूरा किया। उसके पहले एमपी में जो सिलेंडर का 500 रुपया, हर महिला के अकाउंट में 2000 रुपया, वो वादा उन्होंने सरकार आते ही पूरा किया। तो मोदी सरकार ने नहीं किया? नहीं किया, 15 लाख का किया था, अभी तक कहाँ किसी को दिया। सरकार कोई भी आ जाए, गरीब इंसान मेहनत मजदूरी करके ही कमाने वाला है, सरकार कोई भी हो, चाहे भाजपा सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो या आम आदमी पार्टी हो या कोई भी हो, उससे आम पब्लिक को कोई फायदा होने वाला नहीं है। उनको रोज लाके रोज खाना और रोज कमाना उन लोगों को। अभी हमारे जो पहलवान बैठे हुए थे धरने पे, उनको भी इंसाफ नहीं मिला है। तो क्या इंडेक्टली आपको क्या कहना कि 2024 में मोदी का सरकार नहीं? मुश्किल है, कंफर्म है 2024 आज। लगातार सर्वे में हमने इतने लोगों से बात की और लोगों की राय जानने की कोशिश करी, तो ज़्यादातर लोग मोदी सरकार से खुश हैं और आगामी 2024 के इलेक्शन में भी लोग चाहते हैं कि अब की बार फिर से मोदी सरकार। तो देखते हैं कौन सी सरकार, कमेंट करके आप भी बताइए, मोदी गठबंधन सरकार या कांग्रेस सरकार। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।